अगर आपने अपडेट कर लिया है ना तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत सारी न्यूज चीजें ऐड हुई है। पहले जान लेते हैं क्या क्या ऐड हुआ है। अल्टीमेट रॉयल ऐड हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये अभी आपका स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आपको टाइमर और डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो बेसिकली ये आपका 2 दिसंबर को अल्टीमेट रॉयल स्टार्ट होगा, लेकिन आप कैसे खेलने वाले हो ना मैं आगे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी। क्लासिक मोड, अल्टीमेट रॉयल मोड। क्लासिक मोड में आपका थीम मोड आने वाला है, जो नया वाला मोड थीम आने वाला है, लिविक में, इरेंगल में और वीकेंडी में। सैनॉक में नहीं आएगा जैसा कि पबजी मोबाइल में था, एज इट इज आपको सेम यहां पर भी मिलने वाला है। जो दूसरा आपको चेंज मिलने वाला है, जैसे कि यहां हार्डकोर अल्टीमेट रॉयल में, लेट्स सी कि पबजी मोबाइल से डिफरेंट है या सेम बीजीएमआई में भी अलग ही है। तो यहां पर पहला है एंट्री रिक्वायरमेंट रीच क्राउन टायर और अबो इन एनी मोड करंट और लास्ट सीजन। अब फटाफट से आपको जो नया सीजन आने वाला है ना, उसमें आपको क्राउन टायर पर जाना है। जैसे आप क्राउन टायर पर जाओगे ना, फिर आप अल्टीमेट रॉयल खेल सकते हो। सीजन ड्यूरेशन, अल्टीमेट रॉयल सीजन कोइंसाइड्स विद क्लासिक अल्टीमेट रॉयल, स्टार्ट्स अराउंड 14 डेज इनटू द सीजन। तो जब आपका नया सीजन आएगा 2 दिन के बाद, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, जो कि डेट यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी गई है कि आपका जो है 2 दिसंबर को स्टार्ट होगा। ऑपरेशन आवर्स, अल्टीमेट रॉयल इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम ईच डे। हर दिन आपको थोड़े टाइम के लिए ही अवेलेबल होगा ये। और टीम अप, एलिजिबल प्लेयर्स कैन फॉर्म देयर ओन टीम्स, यूज़ ऑटो मैचिंग। आप ऑटो मैचिंग इसमें यूज़ कर सकते हो और अपनी टीम्स भी बना सकते हो, लेकिन सोलो और डुओ आप इसमें नहीं खेल सकते हो। मोड यहाँ पर अल्टीमेट रॉयल इज ऑलवेज प्ले इन टीपीपी, आप एफपीपी नहीं खेल सकते हो। टीपीपी खेलना है आपको और स्क्वाड के साथ खेलना है। मैप आपको सिर्फ क्लासिक मिलने वाला है। द डिफॉल्ट वेदर आपको सनी डे मिल जाएगा, अवेलेबल 6 आवर डेली, मंडे टू फ्राइडे आपको 6 घंटा मिलेगा और आपको वीकेंड पे 12 घंटे मिलेंगे। अब बीजीएमआई में 6 आवर्स है, तो लेट्स सी उसमें क्या चेंजेस करते हैं। सो अब जल्दी से जल्दी अपना रैंक अप करिए, क्राउन पर जाइए, ताकि आप जैसे ही जिस दिन 2 दिसंबर को अल्टीमेट रॉयल अनलॉक होगा ना, तो आप तुरंत से उसमें एंट्री करके पार्टिसिपेट करो और खेल सकते हो। अदरवाइज फिर वहां तब बोलेगा वो लोग कि आपको क्राउन पर रीच करना है। अब सबसे पहले नया सीजन कब आने वाला है, तो जैसे ही मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब सीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अभी भी आप देख सकते हो एक ही सीजन नजर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि 3-3 सीजन आने वाला है, तो जो 3 सीजन आने वाला है वो कंफर्म आएगा, लेकिन कब आएगा ना वो मैं आपको यहां पर बता देती हूं। तो जैसे आप सीजन पर क्लिक करोगे, यहां इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर लिखकर आ रहा है 2 डेज, मतलब ये कि 2 दिन के बाद आपका नया सीजन शुरू हो जाएगा। जब नया सीजन आ जाएगा, उसके बाद उसी दिन जब ये नया सीजन आएगा ना, तो आपको एक पैच अपडेट मिलेगा, तो उसके अंदर आपको 3-3 सीजन देखने को मिल जाएगा। पबजी मोबाइल में भी ऐसा हुआ था, पहले अपडेट आया था और जब उनका नया सीजन आया था ना, तब वहां पर शो हुआ था। एक चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज जो आप लोग मुझसे डिस्कॉर्ड पर काफी सारे यहाँ चर्चा चल रहा है, यहाँ पर 90 FPS का, इस बार भी डिस्कॉर्ड के थ्रू पता चला कि 90 FPS अवेलेबल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, अब आपके कोई और सवाल है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो 90 FPS, लेट्स सी नेक्स्ट अपडेट का हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज इट इज़ ये सारे इवेंट्स आपको अभी मिलने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कब कौन से इवेंट्स आएंगे। कुछ और छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर आप लॉबी में कुछ इस तरीके का आप लगा सकते हो एनिमेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आप अपने कलेक्शंस के लेवल दिखा सकते हो, किस टीयर पे हो वो भी आप शो कर सकते हो। तो ये सिर्फ एज अ शो ऑफ कह सकते हो कि आपका वहां पर मिल जाएगा इमोट वाले सेक्शन में। रॉयल पास और बोनस पास अभी के लिए चेंज नहीं हुआ, 23 को आपको नया रॉयल पास आएगा, जो कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बता दिया। अब और यहां पर क्या क्या चेंजेस हुआ है, लेट्स सी। अच्छा, यहां पर अगर आप आइस माया फ्रंट टायर पर, यहां पर इसको अपडेट कर दिया गया है, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इवेंट शॉप की अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी इवेंट शॉप भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा सेम पबजी मोबाइल में इवेंट शॉप आपको देखने को मिली थी, एज इट इज आपको सेम मिल जाएगी। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक लॉबी मिथिक वाली, जो कि आपकी टाइम लिमिटेड है। तो ये लॉबी पबजी मोबाइल में भी थी, वही सेम लॉबी आपको यहां पर भी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो 120 कॉइन से यहां से लॉबी रिडीम करके फ्री टू यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर इन्वेंटरी में जाओगे, तो आज एक न्यू लॉबी आई है, जो काफी खतरनाक लॉबी मिल जाएगी, और ये लॉबी आपकी मूवेबल है। मैंने अभी जायरो अनेबल नहीं किया, इस वजह से दिख नहीं रहा। जो दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड का, बेसिकली अगर आप यहाँ इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आओगे ना गाइस, तो यहाँ पर आपको अलग अलग मिल जाएगा, क्लासिक के अलग मैप्स मिल जाएंगे, टीम अरीना के अलग मैप्स मिल जाएंगे। जो आप मैप खेलते हो सिर्फ वही डाउनलोड करो, बाकी आप डिलीट कर दो। चेयर पार्क डिलीट कर सकते हो, अनाउंसमेंट, लकी स्पिन, ट्रेनिंग ग्राउंड आप डिलीट कर सकते हो। तो ये अच्छा उनके लिए हो गया जिनकी लो एंड डिवाइस है, ताकि आप चीज़ें डाउनलोड ही मत करो, तो आपको ना रिसोर्स पैक इतना ज़्यादा शो नहीं करेगा। आउटफिट मिल जाएंगे आपको, न्यूएस्ट मिल जाएगा, क्लासिक
चीज़ें मिल जाएंगी, और या नॉस्टैल्जिया मतलब आपका जो अल्टीमेट है वो सारे आपको मिल जाएगा। तो जो आपका अल्टीमेट आप डाउनलोड करना चाहते हो वो करो, जो नहीं करना चाहते वो पैकेज ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। और कुछ चेंजेस हुए हैं क्या क्या, वो भी हम फटाफट से जान लेते हैं। आप चैनल पर आए ना तो फटाफट से आपको, अच्छा दूसरी चीज़ ये, फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर अन ग्रुप के नाम से एक नई चीज़ ऐड हुई है, जिसमें क्या होगा कि अब आपके फ्रेंड लास्ट टाइम टीम अप आपने किससे किया है उस पर क्लिक करोगे ना तो जो लास्ट टाइम आपने टीम अप किया है उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, तो अभी मैं काफ़ी टाइम से अभी टीम अप नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 3 डेज से भी नहीं किया है मैंने, 14 डेज तक भी मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर सब कुछ जीरो शो कर रहा है। तो लास्ट टीम अप का आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर टीम हिस्ट्री है, मतलब आपने किसके साथ खेला है लास्ट, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनके अकाउंट में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उनको ना एक अच्छे तरीके से अरेंज हो गया है, वो कहने का मतलब है। तो यहाँ से आपका, अच्छा दूसरा आप अचीवमेंट वाले सेक्शन में जाओगे कनेक्शन वाले में, तो यहाँ पर ऑनर्स वाले में और अचीवमेंट वाले में जाओगे तो कल ही के दिन काफ़ी सारे न्यू अचीवमेंट्स इन लोगों ने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर होम के काफ़ी सारे अचीवमेंट मिल जाएंगे, आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ बना दी है, और जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना तब तक वो वीडियो पब्लिक भी हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से आपको होम के जितने भी अचीवमेंट कंप्लीट करने हैं ना, जैसे पार्टी क्रिएट कैसे करनी है फ्री में, देखो पैसे यूसी से भी लगती है बट कुछ ट्रिक है जिससे आप पार्टी फ्री में क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपका अचीवमेंट फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेक्ट एक्सपर्ट है यहाँ पर, होम में ट्रिक कैसे देना है ये सब कुछ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अचीवमेंट के नाम से, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर आप कलेक्शन वाले ऑप्शन पर आओगे ना तो यहाँ पर जैसा पबजी मोबाइल में मैंने आपको बहुत बार बताया है क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो आप देख लेते हैं फटाफट से। तो इसके अंदर तो रिवॉर्ड्स में कुछ इतने खास चेंजेस नहीं है कलेक्शन वाले में, लेकिन यहाँ पर फायर आर्म्स में भी आपको Kar-98 स्कारल AKM और M16 देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पहले से अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको व्हीकल वाला ऑप्शन मिल गया, तो व्हीकल में आपको नया चीज़ ऐड हुआ है, स्पोर्ट कार व्हीकल अपग्रेड और ब्रांड व्हीकल। मतलब अगर आपके पास कोई स्पोर्ट कार होगी या फिर आपके पास तो आपके पास कुछ इस तरह के लेवल अप्स होंगे, तो जब ये लेवल अप होगा ना तो यहाँ पर आपको नेम प्लेट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पीछे आपको ना इस गाड़ी के पीछे का नेम प्लेट है जो थर्ड पे मिलेगा, जब आप गाड़ी पार्क करोगे तो आपको ज़मीन में एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप गाड़ी चेंज करोगे इरेंगल में तो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, जब आप गाड़ी चेंज करोगे ना तो आपको ये इफेक्ट मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, जिसके पास बहुत सारी सुपर कार होगी और कलेक्शन के पॉइंट्स सारे अनलॉक हो जाएंगे सारे रिवॉर्ड। अगर आप इसको लेने के लिए जाओगे ना तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा, तो आप लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल कह सकते हो उसको। जिसके पास पहले से सुपर कार है ना तो ये रिवॉर्ड्स उनके लिए अनलॉक होना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको विंटर में एक नया विंटर अपडेट हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो मैंने ग्लव्स बताए थे ना, तो ग्लव्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्रिस्टल वाले ग्लेशियर वाले ग्लव्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, जो दूसरा एक और एक आपका ग्लेशियर हेलमेट आने वाला है वो आपका बोनस पास में आने वाला है, समझ रहे हो। तो बोनस पास जब नेक्स्ट अपडेट में आएगा ना, मतलब नया वाला बोनस पास, तो उसमें आपको ग्लेशियर हेलमेट मिल जाएगा और इसमें आपको ये वाला जो ग्लव्स है वो मिल जाएगा। आइस ओशियन नाम है इसका, आइस ग्लव्स नाम है। तो इस तरह से आप इस ग्लव्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको कलेक्शन रिवॉर्ड में मिलेगा। और आपको पता है इसके कलेक्शन रिवॉर्ड्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं दूसरी चीज़ देखती हूँ, पॉपुलैरिटी एक्सचेंज फीचर। अभी भी लोगों ने इस बार भी पॉपुलैरिटी एक्सचेंज फीचर यहाँ पर ऐड नहीं किया है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो इन लोगों ने ऐड नहीं किया है। तो पॉपुलैरिटी शायद से बाद में अगर ऐड हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए जब मैं चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी एक्सचेंज फीचर ऐड नहीं हुआ। वो काफ़ी बेस्ट फीचर है यार पॉपुलैरिटी के लिए ना, एक्सचेंज करने के लिए। फाइनली पॉपुलैरिटी बैटल भी यहाँ पर आ चुकी है, 27 नवंबर को आपकी पॉपुलैरिटी बैटल स्टार्ट होगी। फिलहाल आप आके रजिस्टर कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको रिवॉर्ड जो भी बताए थे पॉपुलैरिटी एक्सचेंज फीचर में वो एज इट इज सेम आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीके के कुछ लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सारे रिवॉर्ड्स आपकी स्क्रीन आपके सामने भी हैं, आप जाकर के खुद भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट रजिस्टर हुआ है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। इवेंट शॉप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर कुछ कॉइन्स से आप इसको रिडीम कर सकते हो, लाइक फ्रेम्स वगैरह हो जाएंगे, अवतार हो जाएंगे। तो ये इस बार भी रिफ्रेश हो चुका है BGMI में भी, तो फटाफट से जाकर के आप इसको भी कलेक्ट कर सकते हो। ये अच्छा नया होम फीचर आया है जहाँ पर लिखा है सिंड्रेलास वाइटीज होम। अब होम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपको होम से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखनी होगी, बस डिस्क्रिप्शन में वो सारे पार्ट्स आप अगर आप एक बार देख लोगे फिर आप महल तैयार करने वाले हो। मतलब ये कि A to Z कैसे होम ट्री लगाना है, बटलर जो आपका कैरेक्टर है जिसको BGMI वालों ने पिगी कुछ नाम करके दिया है ना, वो भी आप किस तरह से लगा, मतलब कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अचीवमेंट और कुछ मिशंस दिए गए हैं, बेसिकली विजिटेड होम फॉर 2 डेज इन अ टोटल, अपने घर पर
दूसरों को अपने दोस्तों से कहना है कि मेरे घर पर विजिट करें, उसको अपनी कैरेक्टर आईडी देना है, या फिर इन्वेंट्री के थ्रू भी जब आपकी प्रोफाइल क्लिक करेगा ना तो वहां से आपके होम पे विजिट कर जाएगा वो। तो बस आपको विजिट करवाना है और दूसरा लेवल अप करना है फटाफट से। तो जैसे आप लेवल 5 पर जाओगे, लेवल 6 पर जाओगे, लेवल 7 पर जाओगे, तो जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे ना तो आपको यहाँ से कुछ होम के कॉइन्स मिल जाएंगे, एजी करेंसी और सप्लाई क्रेट मिल जाएंगे। तो ये परफेक्ट होम का भी मैंने अचीवमेंट बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जब मेरी वो वाली होम की वीडियो देखोगे ना तो ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रैगन एक्सचेंज यहाँ पर इवेंट देखने को मिल जाएगा BGMI में। ये जो आपको क्रिस्टल मिल रहा है ना, ये बेसिकली जो क्रिस्टल है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप ये वाला नया मोड खेलोगे ना, तो आपको जगह जगह ये क्रिस्टल मिलेगा। वो क्रिस्टल आप एक दिन में कुछ 40 कलेक्ट कर सकते हो या 120, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो यहाँ से आकर के वो क्रिस्टल कलेक्ट करना है और यहाँ से एजी करेंसी और अवतार फ्रेम हो जाएगा और कुछ यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स है जो आप रिडीम कर लीजिएगा इस वाले इससे क्रिस्टल से, तो जो आपको नए वाले मोड में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक और एक चीज़ मिलेगी इवेंट वाले सेक्शन पर जब आप जाओगे ना, तो जहाँ से आप सारे मिशंस कंप्लीट करते हो यू गॉट, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको RP के मिशंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप नॉर्मल RP के मिशंस करते हो। यहाँ पर आपको डेली का होम का मिशन भी आने वाला है जिसमें आपको 500 कॉइंस यूज करने हैं, होम पार्टी अटेंड करनी है, ऑब्टेन फ्रॉम किसी और के होम से ट्री से कॉइन्स कलेक्ट करने हैं वो भी आपको मिल जाएगा, रिलीज द मैसेंजर पिजन 2 times, बर्ड को कैसे रिलीज करें इस पर भी मैंने वीडियोस बना दी है। ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जा करके ना एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बताने लगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैसेंजर और पिजन वाला जो है ना, और फोटो फ्रेम घर पे कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें आप आगे चल के सर्च करोगे। इससे अच्छा है कि जितने पार्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में बताए हैं ना वो सारे आप देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होम क्रिएट करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर होम की शॉप मिल जाएगी, यहाँ से आपको चीज़ें खरीदनी है। हर एक शॉप की, हर एक सामान की प्रॉस्पेरिटी होती जो आपके घर पर लगेगी, जिससे आपके घर का लेवल अप होगा। जितनी महंगी चीज़ आप अपने घर पर लगाओगे उतने जल्दी आपका घर का लेवल बढ़ेगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल किस तरह से आपको होम क्रिएट करना है, किस तरह से सारी चीजें। अब जैसे कि जैसे आप किसी की प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको आपका घर है ना, तो यहां पर आपको एक एग्रीमेंट देंगे जिसको आपको हर अपडेट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट एंड एंटर करके जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधा यहां पर आ जाओगे। अब यहां पर आओगे तो ये आपको इस एक एरिया दे देगा जिसमें आपको अपना घर क्रिएट करना है। 1200 कॉइंस मिलेंगे और जैसे आप अपना पूरा लेवल अप कर लोगे तो आपको कुछ और कॉइंस भी मिलेंगे। अब यहां पर आप देखो जिस तरह से आपको फटाफट से ये खुद लोग ये खुद भी बताएंगे, वो आप खुद से भी क्रिएट करना है। प्लस अगर आपको कोई डाउट होना तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वापस से वही चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी, सारे पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है ना तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगी। आज आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिसके नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे और मैंने खुद नोटिफिकेशन नहीं भेजे हैं, जो कि आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन पर मिलेंगे। कुछ ही वीडियो होंगी जिसके मैं नोटिफिकेशन आपको देने वाली, कुछ 3 वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ठीक है।